है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज और मैं हूं आपके साथ मनाल खान। जिले के प्रभारी मंत्री ने कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया, गायों को खिलाए गुड़वा चने और बताया साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। गोवंशों की अच्छे से ख्याल ना रखने की समस्या पर बोले, नगर आयुक्त से करेंगे बात। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम में विकास विभाग व समग्र ग्राम विकास के मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने जलेसरोड स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गायों को गुड़ चने भी खिलाए। इस दौरान मीडिया से बात करने के दौरान जब उनसे पूछा गया कि बीते दिनों 3 गोवंशों की हालत गंभीर थी, अब यहां पर वे गोवंश नहीं है, नगर निगम व्यवस्थाएं करता रहता है फिर भी कर्मचारी कार्य के प्रति गंभीर नहीं है, क्या कारण है, पर कहा कि उन्होंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा है। बाकी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी व नगर आयुक्त से बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था बेहतर है और सीमित संसाधनों में बेहतर प्रयास है। बाकी आपने जो शिकायतें बताई हैं उन पर भी गौर किया जाएगा। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। मंत्री जी, कल यहाँ प्राय देखा गया था, 3 गौ वंशों की हालत गंभीर थी, यहाँ से अब गौवंश है नहीं है, आखिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर सरकार द्वारा इतना पैसा खर्च किया जाता है, नगर निगम अपने काम में लगी है, फिर भी यहाँ कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थाएं नहीं है, आखिर कारण क्या रहता है? आज हमने अखबार में भी गौशाला के बारे में पढ़ा था और अभी हमने जिलाधिकारी जी से उसकी जानकारी ली है। मैंने आपको कहा भी है कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद से कहें, वो देख के हमें बताएंगे। यहाँ की जो गौशाला हमने देखी है, यहाँ की साफ सफाई और प्रबंधन में मैं समझता हूँ कि बेहतर प्रबंधन है और कम सीमित संसाधनों में भी जो प्रयास किया जा रहा है वो अच्छा है। आपने जो बताया है उस संबंध में हम नगर आयुक्त से भी चाहेंगे, जो आपके सुझाव आए हैं उसके अनुरूप जो सुधार के कार्य संभव है उसको करें।